वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं रोग निदान पेपर टू के कुछ इम्पॉर्टेंट्स एंड क्विक रिवीजन टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पेन या कुछ लिख के रख लीजिए, ये आपको हेल्पफुल होगा। काफ़ी लोगों की बुक्स लॉकडाउन की वजह से बाहर ही है, अगर उनको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चंस निकालो, फिर उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको मैं कुछ क्विक रिवीजन टॉपिक्स दे रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हो, एटलीस्ट ये तो भी पढ़ना है आपको एग्जाम के टाइम, इतना तो भी रिवाइज करके जाना है ताकि आपका पेपर अच्छी तरह से जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन ह्रस्व स्रोत से, ज्वर जो कि हम फीवर कहते हैं। फीवर को आपको पढ़ना है, उसके प्रकार क्या है, अंतर्वेगी क्या है, बाह्यवेगी क्या है, निराम ज्वर क्या है। ये 3 या 5 मार्क्स के लिए आता है, मोस्टली कभी कभार 15 मार्क्स के लिए भी आता है, जैसे मलेरिया का पूछ लिया तो ये कुछ आता है। आमवाद जिसको हम रूमेथाइड आर्थराइटिस कहते हैं 15 मार्क्स के लिए आता है, उसके हेतु 3 मार्क्स के लिए आते हैं, आमवाद की लक्षण ही 3 मार्क्स के लिए आते हैं। आमवाद या संधिवाद में डिफरेंस क्या है ये पूछा जाता है। उसके बाद पांडु जिसको हम एनीमिया कहते हैं 3 मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए क्या क्या पूछ सकता है, हेतु पूछ सकता है, संप्राप्ति पूछ सकता है, पूर्वरूप सामान्य लक्षण पूछ सकता है, ये कुछ पॉइंट्स है आपको पढ़ना है। उसके बाद 15 मार्क के लिए पूछता है एनीमिया, तो इसमें आपको पूरे लिखना है निरुक्ति क्या है, पर्याय क्या है, फिर उसको थोड़ा मॉडर्न पार्ट्स भी लिखना है कि उसके लिए टेस्ट क्या किए जाते हैं, उसको डायग्नोस किस तरह से किया जाता है। तो इससे आप क्या करेंगे, अच्छा स्कोर पर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है शोथ। शोथ क्या है, स्वेलिंग जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग, डर्मल स्वेलिंग, तो 5 या 3 मार्क्स के लिए आती है। उसके बाद है राज्यक्षमा जो कि 3 या 5 कभी कभार 15 के लिए भी आती है। 3 या 5 मार्क के लिए क्या पूछ सकता है, एकादश रूप राज्यक्षमा क्या है, तो ये छोटा सा टॉपिक है आपको पढ़ के जाना है। रक्त पित्त जो कि रक्त व स्त्रोत का टॉपिक है, उसमें आपको पूछेगा संप्राप्ति 3 या 5 मार्क के लिए, फिर 15 मार्क के लिए पूछा जाता है रक्त पित्त क्या है। कामला जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा पढ़ना होगा। वात रक्त जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा था, वात रक्त यानी कि गॉट, ठीक है, तो ये भी 3 मार्क्स के लिए। आपको बस हेडिंग पता होनी चाहिए कि कभी कभार उसके हेतु पूछ लेता है, वात रक्त के हेतु क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको शीत पित्त पढ़ना है 3 मार्क्स के लिए, छोटा सा टॉपिक है ये। उसके सामान्य हेतु और संप्राप्ति आपको पढ़ के जाना है। कुष्ठ यानी लेप्रसी जो कि 15 मार्क, 3 मार्क या कभी कभार 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो कुष्ठ प्रकार को आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है दाह जो कि 5 मार्क्स के लिए आता है, उसमें भी आपको व्याख्या प्रकार और हेतु ही पढ़ना है, बस बाकी कुछ नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद अर्बुद पढ़ना है। मेद व स्रोत में हम जाएंगे मेदोरोग, मेदोरोग में आपको 3 मार्क के लिए पूरा आना चाहिए। ओबीसीटी के ऊपर ये टॉपिक है। प्रमेह क्या है, 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको साध्यत्व आना चाहिए, पूर्वरूप आने चाहिए, हेतु क्या है ये आपको आना चाहिए। प्रमेह आप यहाँ पे भी कर लेंगे तो आपको चरक में भी हेल्प होगी। उसके बाद हम जाएंगे अस्थि मज्जा व स्रोत में, आपको अगर टाइम मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं वात व्याधि क्या है, लेकिन मैंने जनरली इसको स्किप किया अगर रिवीजन के टाइम आपको होना तो। प्राण व स्रोत जिसको हम हिक्का कहते हैं, मतलब प्राण व स्रोत में डिसीज जिसका पहला नाम है हिक्का, तो 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, आपको ये करना है। श्वास जो कि 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, उसमें भी तमक श्वास जनरली ज़्यादातर पूछा जाता है, तमक श्वास के ऊपर आपको 15 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। कास जो कि 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है जिसको हम कास, हाँ, और उसकी संप्राप्ति 3 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। रुद्ररोग में आपको हार्ट से रिलेटेड डिसीज पूछे जाएंगे जो कि 15 या 5 मार्क्स के लिए आते हैं, जैसे अंजाइना पेक्टोरिस 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको पढ़ना है अजीर्ण, इनडाइजेशन के टाइप्स और उसके लक्षण हेतु क्या है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। उसके बाद अम्ल पित्त जो कि 15 मार्क्स के लिए आता है, ग्रहणी 15 मार्क्स के लिए आता है, जो भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन है आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, उसके सारे पॉइंट्स पढ़ना है, क्योंकि कभी कभार 15 मार्क्स से भी 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। प्रवाहिका जो कि 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, अतिसार 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, जनरली इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कभी कभार पूछा जाता है। उदर यानी क्या है, 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन जनरली कभी कभार अगर ऑड पेपर आया तो पूछा जाता है, तो आपको बस एक बार इसको रीड करके जाना है। उसके बाद हम मूत्र कृच्छ, उसके आपको 15 मार्क्स के लिए आता है, मूत्र व स्रोत का क्वेश्चन है, एक्सरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। मूत्रघात के जो 13 प्रकार है उसको आपको पढ़ना है, 5 मार्क या 3 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मूत्रघात के 13 प्रकार लिखिए तो आपको आना चाहिए। उन्माद जो कि 5 मार्क के लिए, वो भी आना चाहिए आपको। अपस्मार जो कि 15 या 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसमें कंपैरिजन भी पूछा जाता है, अपस्मार और इसमें उन्माद में सामान्य भेद क्या है, तो आपको वो आने चाहिए। उसके बाद हम
पढ़ेंगे कृमि रोग। कृमि रोग में आपको संख्या, बाह्य कृमि रोग क्या है, आभ्यंतर कृमि क्या है, उनका निदान क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। 5 या 3 मार्क के लिए आता है। उसके बाद आपको पढ़ना है उपसर्जन्य व्याधि क्या है, गृहस्थी व्याधि क्या है, शीत पित्त क्या है, फिरंग, फिरंग को ध्यान रखिए, ये किसी डिसीज़ का पर्याय नाम है, तो आपको ये आना चाहिए कि फिरंग ऐसा बुक में लिखा नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए, जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। उसके बाद अष्टनिंदित पुरुष, मतलब 8 ऐसे प्रकृति जिसको हमारे शास्त्र में निंदित कहा गया है, जैसे अति स्थूल होना, अति क्रूर होना, ये कुछ ये है, अति मतलब अति बहुत सारे होते हैं, अति जैसे 8 प्रकार दिए उनके, तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 3 या 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, जैसे थायराइड डिसऑर्डर, खालित्य, पालित्य, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको ल्यूकीमिया क्या होता है ये भी पढ़ना है। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, आपको अगर पूरी किताब रिवाइज नहीं है तो आपको एटलीस्ट ये दो भी पढ़ के जाएं, तो आप देखेंगे कि रोग निदान पार्ट 2 का इम्पोर्टेंस ग्लिम्स है, जो आपको एक आइडिया होनी चाहिए कि नहीं पेपर है तो मुझे ये एटलीस्ट मेरे ब्रेन में ये सब होना चाहिए जितने भी मैंने अभी पॉइंट्स बताए। अगर आपको स्किप कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत से लोगों की लॉकडाउन की वजह से किताबें बाहर है, उनको टाइम नहीं है कि वो क्वेश्चन निकाल लें, फिर उनको टैली करें, तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप BMS के स्टूडेंट हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। अगर आप अब आपको और कुछ सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम सभी को अच्छा डॉक्टर बनना है और हम सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए, हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, तो हर किसी को हेल्प करिए, आपके पास जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबको हेल्प करिए कि वो अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि हम साथ मिलकर ही अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो लगे अच्छा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।